गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के बारे में कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन कैसे करते हैं और कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पर दो चीज़ मैंने मेंशन करा था, शायद आपको याद हो। पहला फर्टिलाइजर, दूसरा क्या यूज किया था बताया था, याद है क्या? मैन्योर। अच्छा, आप बता सकते हो क्या मैन्योर ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या है? मैन्यूअल मतलब याद है, भूल गए? चलो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो हम खेत में यूज करते हैं, जो फैक्ट्री में बनते हैं, उसको फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, क्या बताया मैंने? मैन्यूअल यानी कि जैविक खाद, जो कि ह्यूमन डंग, एनिमल डंग और क्या रेसिडुअल ऑफ प्लांट से बनते हैं। रेसिडुअल्स ऑफ प्लांट्स मतलब कि प्लांट जैसे लीव्स वगैरह हो गए ना, उनके सड़े गले पत्ते हो गए, उनके बाग्स हो गए, छाल हो गए, जो भी है वो सब यूज करके हम बनाते हैं जैविक खाद। ओके, तो ये दो चीज हमें याद करना था, मुझे रिवाइज करना था, इसलिए मैंने रिवाइज करवाया। पिछला वीडियो जरूर देख लेना इससे रिलेटेड, क्योंकि मैंने उसमें डिफरेंस ये भी करवाया था कि दोनों में क्या अंतर, जैविक खाद और फर्टिलाइजर, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, देखो टूल्स तो मैंने यूज कर लिया, खाद आपने दे दिया, और क्या क्या चाहिए आपको इसके लिए? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल के उत्पादन के लिए। तो फसल के उत्पादन के लिए बोलो सर, पहले तो मिट्टी की बुनाई करेंगे, मिट्टी को बनाएंगे, लूज करेंगे, क्योंकि वो क्या है, कॉन्टैक्ट रहता है, मतलब एक दूसरे से टाइटली पैक रहता है, ऐसे टाइट रहता है। इस पैक को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, हल चलाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, उससे उसको लूज करेंगे, उसके कोर्स को लूज करेंगे। दूसरा, अगर लूज ना करके मैंने ऐसे ही चीज को छिड़काव कर दिया, सोइंग कर दिया, तो क्या होगा पता है आपको? कुछ वर्ड्स होंगे जो कि आपने छिड़काव कर दिया ना बीज का, अब वो क्या होगा ना, ये लेयर पे, अर्थ के लेयर पे आप जितने भी वर्ड्स आएंगे उसको खाकर चले जाएंगे, कुछ कीड़े मकोड़े होंगे वो खा जाएंगे, अब क्या होगा, आपने तो ग्रोइंग किया ही नहीं, तो प्लांट्स का प्रोडक्शन होगा ही नहीं। और जब हम जब हम इसका ट्रैक्टर इसमें चलाते हैं और मिट्टी को लूज करते हैं, तो उसके अंदर मिट्टी के अंदर इस चीज को दबा देते हैं ताकि बाहर से कोई उसे खत्म न कर सके। कोई तो सर ऐसा है जो भी थोड़े चिड़िया खा जाएगी, जो भी थोड़े कीड़े खा जाएंगे, ऐसा भी तो है कि हवा तेज चलेगी तो उड़ जाएंगे, है ना। इसके लिए मिट्टी के अंदर दबाते हैं, उसको बोलते हैं सोयल, है ना। आपने मिट्टी के अंदर बीज तो दबा दिया, फर्टिलाइजर्स भी दे दिए उसको, क्यों चाहिए? अच्छा, फर्टिलाइजर्स क्यों चाहिए? क्योंकि जिस तरह से हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है हमारे शरीर को, वैसे ही उन्हें भी तो मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, जो उन्हें फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्योर से मिलता है। अब मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ इरीगेशन। इरीगेशन मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको सिंचाई। सिंचाई मतलब, अब देखो मैंने जैसा बताया कि हम जितने भी मिनरल्स को खाते हैं, और मिनरल्स ऐसे तो एब्जॉर्ब हो ही नहीं जाएगा ना। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने बोला कि विटामिन ए के लिए आपको कैरेट खाना पड़ेगा, कैरेट में क्या है, विटामिन ए होता है, तो आपने कैरेट खा लिया तो क्या विटामिन ए टूटकर अलग हो गया क्या? नहीं, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी मिनरल्स होते हैं या फिर विटामिन होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, पानी से वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ भी तो आपने फर्टिलाइजर्स दिया, और फर्टिलाइजर्स में जो मिनरल्स होंगे पेड़ पौधे को क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब तो करना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इरीगेशन करते हैं। हम तो जाकर घर में कहीं से पानी पी सकते हैं, ले सकते हैं पानी, लेकिन प्लांट तो कहीं मूव नहीं करते, ये तो मूव करते ही नहीं, कहीं जाते ही नहीं है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा। सिंचाई बहुत तरीके हैं, सिंचाई करने के अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, सोर्सेस ऑफ इरीगेशन अलग अलग होता है। लेकिन एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, आप बोलोगे सर ऐसा नहीं है, प्लांट को सिंचाई अगर नहीं करेंगे तो भी उनको पानी मिलेगा, कैसे भाई? बारिश से, है ना, रेन से। तो क्या हमेशा रेन होता है क्या, हर मौसम में रेन होता है क्या? रेन तो दो तीन महीने होते हैं। अब उस महीने में जिस महीने में रेन नहीं हुआ, अब उस महीने में आपने क्रॉपिंग किया, फसल लगाया, तो कहाँ से पानी आएगा? उसके लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, और हम लोग तो जुगाड़ करते हैं हर चीज में ना, तो उसके मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूँ सिंचाई के बारे में। तो सिंचाई क्या कहते हैं, मतलब इरीगेशन किसे कहते हैं, कोई बोल दे भाई इरीगेशन किसे कहते हैं ये बताओ मुझे, तो आप बोलोगे पानी देते हैं इरीगेशन कहते हैं उसी को कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स टू एट रेगुलर इंटरवल्स, सिंचाई किसे कहते हैं,
आपको द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब कि ऐसा नहीं फसल लगाए पानी दे दिया निश्चिंत कुछ नहीं करना मुझे तो जिंदगी इतने में नहीं पड़ती, ऐसा नहीं है, आपको रेगुलर इंटरवल पे उसको पानी देना पड़ेगा, नहीं तो जैसे ही सोयल ड्राई हो जाएगी फसल सूखना शुरू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे ही नहीं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब करते, एक होता है जाइलम दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा, रूट्स जितने भी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे वो डायरेक्ट ऊपर तो चला नहीं जाएगा ना, तो जाइलम क्या करता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर के थ्रू ही वो सारे मिनरल को एब्जॉर्ब करके और पूरे और प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में फैला देता है। ओके, तो यहाँ पे इरिगेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए प्लांट्स के लिए। ओके, नाउ व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या होता है, रिवर, वेल, ट्यूबवेल, ये सारी चीजें होती है, ले सकते आप इसको कहना सकते हो, नहर तो आपने देखा ही होगा उससे भी कम सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको मेंशन कर रखे हैं कि अगर बारिश ना हो, वर्षा ना हो, तो हम पानी का सप्लाई कैसे पूरी कर सकते हैं अपने फसलों को। ओके, उसके बाद मेथड, देखो ऐसे तो डायरेक्ट आप क्या करो कि कैनल से ज्वाइन कर लो अपने फील्ड को, वहां पर पानी आ ही जाएगा, तो लेकिन आप सोचो आपने एक सोर्स ऑफ वाटर को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया इससे फील्ड से, तो मतलब पानी का भरमार आ जाएगा, ढेर सारा वाटर आ जाएगा, तो क्या होगा हमारी फसल खराब हो जाएगी, तो हमें तो प्रॉपर मैनर में और प्रॉपर अमाउंट में, फिक्स अमाउंट में, जितने सर्टेन अमाउंट उसे चाहिए उतना ही पानी देना होगा ना, ज्यादा देंगे तो क्या होगा फसल खराब हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने दो मेथड यहाँ पर मेंशन कर रखे, एक होता है स्प्रिंकलर मेथड, दूसरा होता है ड्रिप इरिगेशन। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। अब देखो स्प्रिंकलर में क्या होता है, स्प्रिंकलर नाम से आपको पता चला होगा छिड़काव ऐसा होता है, यहाँ पे एक नोजल होता है, नोजल फिक्स रहता है और ऐसे 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 घूमते रहता है, लेफ्ट राइट घूमते रहता है, ये चिन्हली आप कहीं पे पार्क में गए होंगे तो वहाँ पे स्प्रिंकलर लगा रहता है, तो ये आप कहाँ यूज कर सकते हो, जहाँ पे अनइवन क्या सॉइल हो, अनइवन सॉइल समझना है, कहीं ऊंच हुआ कहीं नीचा हुआ, कहीं मतलब ज्यादा ऊंचा हो गया ज्यादा नीचा हो गया, इसमें क्या होना है ऐसे ड्रिप ऐसे 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 क्या करते रहना है, स्प्रिंकल करते रहे, मतलब कि पानी ऊपर से उड़कर और छिड़काव होते रहेगा, जैसा कि रेन हो रहा है बारिश हो रहा है उस तरह से छिड़काव होगा। अब उसके लिए क्या कहीं ऊंचाई है और कहीं नीचा है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, अब बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आया, ऐसा थोड़ी होता है, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि मिट्टी को हम बनाते हैं फ्लैट करते हैं, अब आप बोले ऊंचा नीचा होगा ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं कि आप हमेशा गेहूं ही लगाओगे हमेशा राइस ही लगाओगे, कॉफी का भी तो प्लांट कॉफी का तो क्रॉप करते हैं ना, कॉफी का भी फसल तो लगाते हैं ना, अब जो कॉफी का हम लोग फसल लगाते हैं तो वहां पे कैसा होता है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप मतलब ऊपर नीचे ऐसा होता है, तो उसमें क्या करोगे वहां पे स्प्रिंकलिंग तो कर सकते हो, मान लीजिए बारिश ना हो, ह्यूज अमाउंट में बारिश तो होता ही नहीं, जहाँ पे ज्यादा अमाउंट में बारिश हो वहां तो कॉफी होगा ही नहीं, तो इसके लिए वहां पे क्या करेंगे स्प्रिंकल मेथड का यूज करेंगे। ओके, अब दूसरा है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप का मतलब बूंद बूंद टपकना, बूंद बूंद जैसे कि पोलियो की दो बूंद याद है ना, बचपन में आपने पिया भी होगा, तो ये ड्रिप इरिगेशन क्या होता है ना, ये क्या करते हैं ना फसल के रूट के पास फसल जो होता है, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के हिसाब से, मान लो ये बहुत ही अच्छा मैंने फसल बनाया, बहुत अच्छा बोलेगा खराब नहीं बोलेगा, ओके, और ये इसके अच्छे वाले बूंद से जो कि जाइलम से कनेक्टेड है, और ये इसका काम क्या है बूंद का बता सकते हो, पहला पौधों को क्या करेगा सपोर्ट देगा मिट्टी से, दूसरा काम क्या है बूंद का, ये जितने भी ऊंचे हैं हम क्या करेंगे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे और साथ साथ में वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और प्लांट्स के पूरे पार्ट में फैलाएंगे, ये इसका वर्क है, ये इसका काम है। अब यहाँ ही पानी देंगे, पानी तो यहाँ देंगे नहीं, पानी यहाँ देने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे एक ड्रिप इरिगेशन के लिए एक क्या है एक नोजल लगा दिया, अब ये नोजल ना जब भी ओपन होगा तो इसमें बूंद गिरेगी, ये देखो कितना प्यारा सा बूंद है, ड्रिप तो नहीं रहा होगा आपने
आपने अनइवन करा था वो तो उसके बाद भी वो नहीं गए होंगे, उसके रूट्स रह गए होंगे और रूट से तो फिर से वो निकल आते हैं, या फिर आपने जो बीज सीड्स डाले होंगे उसमें भी कुछ ना कुछ उसके बीज रहे होंगे, सीड्स रहे होंगे, तो इस बीज को हमको निकालना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था कि वीड्स क्या होता है, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अनवांछित प्लांट आप बोल सकते हो, मतलब जो हमें नहीं चाहिए होता है। वहाँ पे मैंने गेहूं लगाया, गेहूं के जगह कुछ खरपतवार जैसा कुछ आ गया तो वो तो अनवांटेड है ना, अनडिजायरेबल है ना, अवांछित है ना, तो वो तो चाहिए नहीं। क्यों अब बोलोगे सर क्यों नहीं चाहिए, वो तो मैं ऐसा करूंगा वो निकाल लूंगा और अपने गाय को अपने बच्चे को दूंगा खाने के लिए। अरे भाई ऐसा मत करना, क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ दिया क्या करेगा, आप जितने भी इसको आपने क्या करा छोड़ दिया तो क्या होगा, आपने इरीगेशन किया, सिंचाई किया, सारे मिसाइल वाटर ये कंज्यूम कर लेगा, आपने मैन्योर डाला, आपने फर्टिलाइजर्स डाला, सारे के सारे ये क्या करेंगे कंज्यूम कर लेंगे, तो आपके प्लांट्स को तो कुछ मिला ही नहीं है ना। तो आपके जो प्लांट्स का प्रोडक्शन होगा, जो आपके प्लांट्स का जो प्रोडक्शन हुआ क्या होगा, इससे बहुत ही प्रभावित होगा। ओके, तो हमें इस वीड्स को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है रिमूवल ऑफ वीड्स। अब कैसे रिमूवल ऑफ वीड्स होगा, निकालोगे कैसे, अपने आप तो निकल नहीं जाओगे, बोलोगे भाई चलो तुम्हारी जरूरत नहीं यहाँ से निकलो, ऐसा तो बोल नहीं सकते ना, तो उसको कैसे करेंगे। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग, मतलब कि वीड्स को निकालने वाले प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। आप खुद की समझते हो, एक क्या होता है मेटल का एक सार और टूल्स होता है जिससे क्या करते हैं ना, मिट्टी को क्या करते हैं लूज करते हैं, मिट्टी को लूज करके इसके मिट्टी को क्या करते हैं पलट देते हैं, है ना, क्या होता है इसके रूट्स ऊपर आ जाते हैं और प्लांट को निकाल लेते हैं, जिससे क्या होता है बीज निकल जाते हैं पूरी तरह से, उसके बाद बी ना निकल जाता क्योंकि उसके रूट्स रह जाते हैं, तो हम वहाँ पे केमिकल का छिड़काव करते हैं, 2,4-D का छिड़काव करते हैं, जिससे पूरी तरह से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इरिगेशन, वीडिंग, है ना। उसके बाद अब मैंने फसल को क्या करा, पहले तो क्या करा, आपने मिट्टी बनाया, सोइंग किया, इरिगेशन किया, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डाले, वीड्स को निकाल दिए, उसके बाद आपने फसल को छोड़ दिया। और एक और बात ध्यान रखने की क्या बात है, आप जब इरिगेशन करोगे तो ये देवघर इंटरव्यू में आप पानी एक बार डाल के नहीं छोड़ते, कम से कम अगर मान लिया आप गेहूँ का एग्जाम्पल लेते हो, गेहूँ का प्लांटेशन करते हो, गेहूँ की फसल लगाते हो, तो उसमें 3-4 बार पानी डालने पड़ते हैं, रेगुलर इंटरवल पर डालने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जब आपका फसल क्रॉप मैच्योर हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से पक जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। अच्छा, कितने बच्चे को ना क्रॉपिंग और हार्वेस्टिंग में अंतर ही नहीं पता चलता, वो सोचते हैं हार्वेस्टिंग मतलब क्या, फसल लगा, नहीं, हार्वेस्टिंग मतलब फसल को निकालना, काटना, कटाई बोल सकते हैं सर भाषा में, कटिंग द क्रॉप आफ्टर मैच्योरिटी, है ना, मैंने बोला ना आपको कि मैच्योर हो जाएगा उसके बाद कट करेंगे ना, कटिंग द क्रॉप को हार्वेस्टिंग बोलते हैं। यानी गेहूं जब पीला पीला नहीं हो जाता, पीला मतलब खराब हो गया ऐसा नहीं, जब मैच्योर होकर पीला हो जाता है तो उसको काट के निकालेंगे, उसको क्या बोलते हैं हार्वेस्टिंग। काट के निकाल कर क्या करेंगे, बंडल बनाकर कहीं एक फील्ड पर हम लोग क्या करते हैं उसको स्टोर करते हैं। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसको थ्रेसिंग करेंगे। सर थ्रेसिंग, थ्रेसर तो एक मशीन होता है, हाँ, इस प्रोसेस के नाम पे उस मशीन का नाम थ्रेसर रखा गया, क्यों, क्योंकि जो आपने क्रॉप्स ले रहे हो ना उसको कट करके उसमें से सीड्स को अलग करते हैं, सीड्स को क्या करता है अलग करता है। आप समझो कि ये गेहूं की बाली है, कि गेहूं के ऐसे 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 बीज होते हैं, अच्छे से है ना, बहुत प्यारे से है, तो उससे लगे ना गेहूं इसमें है ना। अब इसको क्या करेंगे ना, मैं तो यहाँ कट कर दिया, अब ये उधर जाएगा, अब ये कट हुआ तो ग्रेन्स देखो, ग्रेन्स ही गेहूं के ग्रेन्स अलग हो जाएंगे, फल के साथ साथ कुछ टूटे रहते हैं, तो थ्रेसिंग में ये कट के यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है ना, गेहूं कट के हट जाएगा, लेकिन पूरी तरह से ये इसके साथ जो कवर है, इसके कवर उसके साथ साथ ही रहेगा, क्योंकि क्या होता है ना गोभी तो छोटे छोटे टुकड़े में हो गए, अब क्या है गेहूं भारी हो जाएगा, इसके लिए हल्के रहेंगे तो एक साथ मिल जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा मिश्रण बोलते हैं, इसको मिक्सचर बोलते हैं, हिंदी में मिश्रण बोलते हैं, और ये विषमांडी मिश्रण है। इसको कैसे अलग करेंगे, तो इसको अलग करने के लिए विनोइंग होता है, जिसमें एक पंखे आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं बड़ा सा पंखा लगा दो और इसको गेहूं को ऐसे करके गिराओ, गिराओगे तो क्या है गेहूं भारी है, भारी है तो नीचे आ जाएगा और हल्के उसके लिप्स है उनके अलग चले जाएंगे, तो इस तरह से आप उसको अलग भी कर सकते हो, मतलब कि आप ग्रेन्स को सेपरेट कर लोगे एक्स्ट्रा, मतलब कि जितने भी अनवांटेड थिंग्स है, ठीक है। तो ये टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देख लेना, आप उससे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप समझेंगे, इसके रिगार्डिंग मैंने होमवर्क भी दे दिया।
नंबर दिया है जो कि आपके इस टॉपिक से ही रिलेटेड है, और आप इस वीडियो को देखना, इस नोट इसको पहले तो क्या होगा नोट डाउन करो, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद आप कुछ न समझ में आए इसे करने करना है इसको, नहीं तो आप उसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, और इस होमवर्क को आपको कंपल्सरी करना ही है। ओके, थैंक यू।